काकी मेरा सारा डिग गया। काकी ओ काकी क्या हुआ? काकी मेरा सारा डिग गया। काकी जल्दी आओ। एकदम बच्चा है तू। अरे ऊपर का बटन नहीं खुला, सर बाहर कैसे आएगा? हाँ काकी मैं एक नंबर का बुद्धू। अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? खेलने। अरे इतना बड़ा हो गया और बच्चों के साथ खेलता रहता है? मैं भी तो बच्चा ही हूँ काकी। अच्छा कुछ खा ले फिर। ए, मैंने बालों के साथ दूध रोटी खा लिया। अच्छा मैं चलता हूँ। कौन सी? नीली वाली। नीली वाली? हाँ। अभी मारता हूँ देख। आ लग गई लग गई लग गई। ये सब गोटी अब मेरी हो गई। ए भोला इन बच्चों के साथ क्या खेल रहे हो? मेरे साथ खेलो ना। आजा मैदान में। क्यों नहीं खेलूंगा, चल गोटियां निकाल। गोटियां? हाँ। अभी मंगवाती हूँ। एक हलवा। क्या? ए ले अठन्नी और जा जल्दी गोटियां लेकर आजा। जा चलो 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 चलो। भोला बच्चे लोग तो गए गोटियां लाने, अब तू चल मेरे साथ। तेरे साथ कहाँ? चल तो सही ना, चलो ना। ये तू मुझे कहाँ लेकर आई है? खेलने के लिए। ये खेलने की जगह थोड़ी है। प्यार का खेल अकेले में खेला जाता है ना भोला। ये प्यार का खेल? ये कौन सा खेल है? ये खेल तो मैंने पहले कभी नहीं खेला। ये तू क्या कर रही है? ये खेल मैं नहीं खेलूंगा, मैं जाता हूँ। उई माँ। क्या हुआ? घुटने में मोच आ गई है, अब मैं कैसे उठू? अच्छा ये चुपकी, मेरा बदन क्यों गर्म हो रहा है? लगता है मुझे बुखार आ रहा है, मैं जाता हूँ। भरा हुआ है, छोड़ मुझे। ए पालो, अरे जा, नहीं नहाती तो नहीं नहाती, चल हम लोग नहाते। छोड़ पक्का
मैं तुझे मारूंगा, अब मैं तुझे मारूंगा। पारो, तू रो रही है? चल घर, चल 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 घर चला। नटवर, अरे नटवर, मिलावट राम की दुकान से 1 किलो तेल लेके आना। जेल? जेल? मैं जुआ खेल रहा हूँ, जेल भेज रही है मुझे। तू तू ये चीज किस लिए बनाई है? हाँ? भूल जाता हूँ। मिलावट राम की दुकान से 1 किलो तेल लेके आना। ले तो इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत थी, मैं कौन सा बैल लेके आने वाला था? मैं चिल्ला जा। जाता हूँ जाता हूँ। मैं हूँ रंगीला रंगीला रे। हाय, क्या हुआ? हाय मेरी जान। नटवर, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तबीयत को मार गोली। अरे पगली, जब कोई लड़का किसी लड़के से मिलता है तो हाय मेरी जान तो बोलता है। तेरी बात तो मेरी समझ में नहीं आती, बोल क्या चाहिए? एक तू मिल जाए, मैं समझूंगा मेरे घर का पूरा सामान मिल गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि तू दुकान पे मिल गई, मेरे दिल की किताब खुल गई। अब तू भी खोल दे क्या? अपने मन के द्वार और नैनो में नैना डाल के दे दे क्या? प्यार पगली प्यार, नहीं तो क्या नाचिस तुझसे माचिस मांगने आए? ये प्यार है प्यार, ये प्यार की आग है, नहीं बुझती। ए नटवर, बंद करते रहे नाटक। ये बनने की दुकान है, कोई प्यार व्यार की दुकान नहीं। माँ और बापू को बुलाकर ऐसे जूते खिलवाऊंगी कि तेरे सर के सारे बाल है ना उखड़ जाएंगे। हाँ, अरे प्यार में सर के बाल तो क्या, खाल भी उखड़ जाए कोई बात नहीं। तू मेरी बात सुन, ये दुकान छोड़, चल मेरे साथ चमेली के मंडवे तले। क्यों बे नटवर, मेरी बेटी को क्या खिला रहा था? अरे मैं तो तेल लेने आया था, तेल आपकी माल की तारीफ कर रहा था। बहुत बढ़िया है बेटी तू। ये ले तेरा। मैं पूछ रहा हूँ, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? दंगल? दंगल मंगल मैं नहीं जाता। हाँ सुबह सुबह जंगल जाता हूँ। अरे मैं पूछ रहा हूँ, घर में सब ठीक तो है ना? भीख? भीख मांगने? ये ले रोकड़ा, ले रोकड़ा, भीख मांगने पहले कभी ले ले, भीख मांगने है, भिखारी समझा है मुझे? अरे मैं पूछ रहा हूँ पारो कैसी है? पारो मारू? क्यों मारू मैं? तेरी बीवी बाकी गई है क्या? अरे पारो पारो। मैं लगता है सुबह सुबह इसकी बीवी इसको मारा नहीं, मारता हूँ। तू 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 हाय राम, ये क्या हो गया? क्या थैले के जैसा पड़े हो? उठो। वो बहरे ने मुझे मारा। कौन बहरा? ये? ए? तूने मेरे पति पर हाथ उठाया? इसने तो कहा था कि मेरी बीवी ने मुझे बहुत दिनों से मारा नहीं, मारो मारो मारो, मैंने मारा। पूछो। तुमने ऐसे कहा? मैंने मैंने कुछ नहीं कहा। एक बात बताओ, ये बाहर वालों को कैसे मालूम पड़ गया कि मैं रोज तुम्हें मारती हूँ? भगवान कसम मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन मालूम नहीं ये बात कैसे फैल गई। अभी तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन रात को तुम्हारी खबर लूंगी। अरे पारो तू यहाँ बैठी है? देख चाची, नटवर मुझे परेशान कर रहा है। क्यों रे नटवर, क्यों तंग कर रहा है इसे? भंग? क्या भाभी जी मजाक कर रही हो, मैं कोई भंग वंग नहीं पीता।
हाँ भंग पीता हूँ तो केवल होली के दिन। तू बहरा का बहरा ही रहेगा। मैं बोल रही थी तू पारो को परेशान क्यों कर रहा है? मैं कहाँ परेशान कर रहा था, अरे मुझे सर्दी हो गई थी तो मैं छींक रहा हूँ। अब तो विश्वास हो गया, झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा बाबा अच्छा, ले बोला खाना खा ले। काकी मैं खाना कैसे खाऊंगा? अरे हाथ से खा भाई। हाथ से खा भाई, लेकिन हाथ में तो ये है। तो उसे उतार के खाना। इसे उतारूंगा तो ठंड लगेगी। तो थाली ले, मुंह से खा। फा, 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 खा। मैं मुझे कहाँ से खा पाऊंगा, काकी मुझे खिलाएगी। अच्छा बाबा खिलाती हूँ, ले मुंह खोल ले। देखा काकी मुझे कितना प्यार करती है? हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ ना, जब तू इस घर में आया है ना, सारा प्यार उधर ही है, इधर कुछ भी नहीं है, है ना? है ना? बोलो बोलो, खिला खिला, खाओ। बालो तू उठ क्यों गई? तू यहाँ कैसे आया? मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मैं यहाँ आकर सो गया। तेरा कंबल कहाँ है? पता नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोता हूँ। तू भी सो जा ना, आ जा। जब वो शहर जाए तो मुझे साथ ले जाए। मैं चौपाल गया था, वो वहां नहीं है, वो घर गया। मर गया? अरे कल तक तो अच्छा खासा था। कब मरा? अरे कहां जा रहे हो भाई? अरे पता चला क्या हुआ? अरे मिलावटराम मर गया यार। मिलावटराम मर गया यार। कंजूस था, हरामी था, लेकिन अच्छा आदमी था। चलते यार। मिलावटराम मर गया? क्या मिलावटराम मर गया? मिलावटराम मर गया। सुना के तुमने मिलावटराम मर गया? धीरज रखो, इन आंसुओं को रोक लो। क्या करें नटवर, आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। मैं समझता हूं इस वक्त आप लोगों पे क्या बीत रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हुनगो को टाल नहीं सकता। हाँ। देखो हिम्मत से काम लो, बेटी तो पराया धन है। हाँ। वो मेरे घर तो आ जाएगी। हाँ? आप अपने आप को अकेला मत समझो, मैं हूं ना। क्या कह रहे हो तुम नटवर? देखो अब जो कुछ हुआ है। क्या हुआ है? सदमा पहुंचा है बिचारी को, मैं समझता हूं। अर्थी कब उठा रहे हैं? अर्थी? किसकी अर्थी? मिलावट राम जी खर्च हो गए ना, परलोक से डर गए ना। ए, चुप कर, क्या बकवास कर रहा है? वो तो गहरी नींद सो रहे हैं। इनको विश्वास नहीं आता कि मिलावट राम इस वक्त हमारे साथ नहीं है। शांति रखिए आप। ए भगवान, मिलावट राम। देखो संभालो इन्हें,
कितना भाग्यशाली आदमी था। अरे वो सो रहे हैं। इस औरत जात को जरा भी यकीन नहीं आ रहा है भगवान। मिलावट राम भैया एक बार आखिरी दर्शन कर लो बेचारे का। मिलावट राम क्या बात है, इतनी भीड़ कैसे? चमत्कार चमत्कार, ये भगवान ने आपकी सुन ली, आपके आंसू देख नहीं सके भगवान। मिलावट राम तुम उठ गए। ए नटवर, ये सब क्या चक्कर है? ये नटवर सारे गांव वाले को लेकर आया तुम्हारी अर्थी उठाने के लिए, कहता है कि तुम मर चुके हो। है? उस दिन तूने मेरे को लाफा मारा वफ वफ, और आज मेरे बारे में सबको बोलता है मैं मर गया हूँ। सारे गांव में मेरे मरने की खबर फैला दी और मेरी अर्थी उठाने आए। मारो इसे, मारो इसे। कितनी बेरहम से मारा है हरामजादों ने, ऐसी ऐसी जगह मारा है जहाँ मारते हुए आदमी को शर्म आए। ए बाप, पूरे बदन के नट बोल्ट ढीले कर दिए मेरे। ये घर अपने ही है ना? दीदी दीदी। चाची, लगता है कोई भिखारी आया है। हा? खाना हो तो दे दो इसे। भिखारी? घर में तो खाना है नहीं, ये पैसे ले लो और जा। लो। मैं भिखारी हूँ। अरे अरे मैं नटवर हूँ, नटवर। अरे नटवर भैया तू, अरे ये क्या हालत बना रखी है? ये हालत तेरे भोला ने की? भोला ने? उसने मेरी हालत की है। पता नहीं क्या बोल गया मैंने, वहाँ क्या बोल दिया लोगों ने मुझे मार मार के। यार कहाँ है भोला? ताली मार रहा है। कौन है तू? आदमी है तू? उस दिन तेरा नसीब अच्छा था जो तू बच गया, लेकिन आज तू यहां से अपने पैरों पर चलकर नहीं जाएगा। आगे नहीं बढ़ना, मारूंगा मैं। देख मैं मारूंगा तुम लोगों को। हाँ मारो साले को। क्या हुआ भोला? मैं कार में, कार खाई में गिर गई। खाई में। आप मेरे साथ बाहर आइए। आपका बेटा शरीर से तो बड़ा है लेकिन बातें बिल्कुल बच्चों जैसी करता है। ये जन्म से ही ऐसा या किसी एक्सीडेंट के कारण हुआ है? वो भोला मेरा बेटा नहीं है डॉक्टर साहब, वो मुझे अधमरी हालत में खाई में पड़ा मिला था।
मैं उसे उठाकर फौरन बैजी के पास ले गई। भगवान की कृपा से उसकी जान तो बच गई, मगर होश में आने के बाद वो बच्चों जैसी बातें करने लगा, अपने बारे में कुछ बता भी नहीं सका। आई सी, दैट मीन्स इट्स अ केस ऑफ एमिनेजिया। किसी घटना के कारण भोला अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भूल चुका है। उसे वही बातें याद है जब वो 5-6 साल का था। डॉक्टर साहब, क्या भोला अब हमेशा ऐसा ही रहेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। शहर जाकर भोला का किसी स्पेशलिस्ट से इलाज करवाओ तो भोला की याददाश्त वापस आ सकती है।